आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी बुक। बर्तन गिरने की आवाज से पूजा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह बड़ा कर उठी। मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, सोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है और मैं हूँ कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा, पता नहीं मम्मी जी डैडी जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाएं। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का होवा उसे बुरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ पापा को कोई उल्टा सीधा बोले। पूजा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वे भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वे बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदी न सिंदूर आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढ कर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींच कर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में पूजा कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंच कर ठिटक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? अचकाचा कर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देरी से आई, इसीलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह हो जाता है। पूजा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर पूजा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा ये लो, इसे हाथ से छू दो। पूजा ने प्रश्नभरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी थूड़ी को स्नेह से पकड़ कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है मेरी इतनी प्यारी, गुड़िया जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी न कराऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना, आज की रस्म के लिए इतना ही काफी है। सुनकर पूजा की आंखों में आंसू भर आए, वे अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके रुंधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला।